हेलो एंड वेलकम टू कोरोना स्टडी पॉइंट। कोरोना स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनीता और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके साथ में हम इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कैपिटल की भी बात करेंगे। पर आज के इस वीडियो में ये पार्ट वन है, इसमें हम सिर्फ यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे और इसके सेकेंड पार्ट में स्टेट्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। आज का ये जो डिस्कशन है ये 26 जनवरी 2001 तक किए गए परिवर्तनों पर आधारित है। 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा की और इसके साथ में ही इसे जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख। परंतु इसे 31 अक्टूबर 2019 को इनैक्टेड किया गया क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है, जिसे यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये इसका कारण था। इस प्रकार से 31 अक्टूबर 2019 को भारत में 9 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए। परंतु 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी को दादर एंड नागर हवेली में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। इस प्रकार से 26 जनवरी 2020 को भारत में 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य बचते हैं। तो वर्तमान में हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। तो यहाँ तक तो आपने इनके बारे में देखा कि कितनी यूनियन टेरिटरीज और कितने राज्य हैं। अब हम इनके नाम भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कैपिटल क्या है। देखिए, राज्य के जिस जिले में, जिस स्थान पे राज्य के प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं उसका सचिवालय स्थित होता है, उसे इस राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहा जाता है। इसी प्रकार से जहाँ पर राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसे उस राज्य की लेजिस्लेटिव कैपिटल कहा जाता है। जहाँ पर राज्य का हाई कोर्ट होता है उसे उस राज्य की जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक जिला या फिर किसी एक स्थान की हम बात करें, वही किसी राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कैपिटल हो सकता है, या फिर ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इनके साथ में इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, लेजिस्लेटिव कैपिटल नहीं है क्योंकि इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। हमारी सभी यूनियन टेरिटरीज के पास अपनी विधानसभाएं नहीं है, इसलिए सबकी लेजिस्लेटिव कैपिटल नहीं है। इसकी जुडिशियल कैपिटल है कलकत्ता, हाई कोर्ट कलकत्ता। दादर एंड नागर दमन दीव की, दादर नागर हवेली दमन दीव की बात करें तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल दमन है, लेजिस्लेटिव कैपिटल नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। और जुडिशियल कैपिटल बॉम्बे हाईकोर्ट मुंबई, 2020 में इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखा गया है क्योंकि 2020 में जैसा कि अभी हमने देखा इन्हें मर्ज कर दिया गया था। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी न्यू दिल्ली में है, लेजिस्लेटिव कैपिटल भी न्यू दिल्ली में है और जुडिशियल कैपिटल न्यू दिल्ली, हाई कोर्ट न्यू दिल्ली में है। ओके, और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1956। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए, यहाँ पर इसकी दो कैपिटल लिखी गई हैं, इसकी श्रीनगर इसकी समर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और जम्मू इसकी विंटर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इसी प्रकार से इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करें तो श्रीनगर समर की और विंटर में जम्मू है। और जुडिशियल कैपिटल इसकी है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, 2019 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखा गया है क्योंकि 2019 में इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, एक इस प्रकार से 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गया, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2019 लिखा गया है। अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल समर ले है और विंटर कारगिल है। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल नहीं है क्योंकि इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जुडिशियल कैपिटल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इसकी जुडिशियल कैपिटल में आता है, 2019 इसका भी एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल करावती है, लेकिन ट्रेजरी कैपिटल नहीं है। जुडिशियल कैपिटल हाई कोर्ट ऑफ केरला कोची, 1956 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। पुडुचेरी की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पुडुचेरी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल पांडिचेरी है और जुडिशियल कैपिटल मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई तमिलनाडु, 1954 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल इसके पास नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन चंडीगढ़, 1956 देखिए ये इसकी जुडिशियल कैपिटल हुई और 1956 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर हो गया। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर कहा गया कि कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके कॉमन हाई कोर्ट हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी जो जिनका कॉमन हाई कोर्ट है। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका अपना खुद का हाई कोर्ट है। तो एक तो हो गई दिल्ली, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके अपने खुद के हाई कोर्ट हैं। यहाँ पर कहा गया कि वो कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभाएं, जैसा कि अभी हमने देखा जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके पास लेजिस्लेटिव कैपिटल थी। तो एक हो गई दिल्ली, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर, तीसरी पुडुचेरी। तो ये तीन है। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।